हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग। तो फ्रेंड, अगर आपकी बाइक में या स्कूटर में ये जो फ्यूज होते बार बार उड़ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये फ्यूज इसके उड़ जा रहे हैं बार बार। और इसमें भाई ने ये क्या किया, इसमें तार लगा के जुगाड़ किया क्योंकि बार बार फ्यूज उड़ जा रहे थे। ये देखिए उड़े हुए हैं, ये भी उड़ा हुआ है और ये भी उड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। ये बार बार फ्यूज उड़ जा रहे थे, ये देखिए उड़ गया है। तो भाई ने तार लगा करके डायरेक्ट किया और डायरेक्ट किया तो भी ये उड़ जा रहे थे। तो उड़ जा रहे थे कहाँ से प्रॉब्लम थी ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर इस तरीके के फ्यूज उड़ने की प्रॉब्लम आती है एक्टिवा में तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, अगर इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले अगर आप लोग इस तरीके लोडेड हारन लगाते हैं तो ये लोडेड हारन जो होते हैं कभी कदार शॉर्ट कर जाते हैं, तब ये फ्यूज की प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ फ्रेंड, इसमें जो लाइट है ये बैक लाइट इंडिकेटर, ये इसके जो वायर होते हैं यहाँ पे 4-5 पिन लगी होती है, ये हम लोग ये डिग्गी बंद करते समय यहाँ पे जो है यहाँ फंस जाता है हमारा बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट फंस जाते हैं और वायर फंस जाती है, बंद करते समय वायर फंस जाती है, वायर कहीं से अर्थ करने लगती है, तो भी ये जो है वायरिंग शॉर्ट करने की प्रॉब्लम आती है और ये फ्यूज शॉर्ट करने की प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसमें जो है नया फॉल्ट आया है जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों का ये फ्यूज बार बार उड़ाता है तो प्रॉब्लम इनमें आती है। इनमें क्या प्रॉब्लम आती है, सब कुछ तो ओरिजिनल है फिर भी इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले मैं इसमें जो है ये फ्यूज लगा लेता हूँ, फ्यूज लगा लूँगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो फ्यूज ये जो है रेड वाला इधर लगेगा, ये भी मैं कोई भी कहीं भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी भाई फ्यूज इसके जो है चेंज करेंगे तो मैं आपको फॉल्ट दिखाने के लिए इसको लगा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये हमने लगा दिया फ्यूज और उसके बाद फिर मैं ये फ्लैशर लगा देता हूँ। फ्लैशर लगाया हमने और ये इंडिकेटर जला रहा है, ये देखिए इंडिकेटर जला रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो इंडिकेटर जला रहा है तो भाई ने क्या किया, इसमें ये जो है ये बजर लगाया, ठीक फ्रेंड। बजर कैसे लगाया अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको ऑन करके इसको निकाल करके इसको लगाता हूँ। तो बजर ये हमने लगाया और ये इसमें लगाया, ये बजर हमारा बजने लगा, ये बजर इस तरीके से लगा दिया और बजर हमारा बजने लगा। और ये फिर हम फ्लैशर लगा देते, इसमें फ्लैशर इसमें लगाया, इंडिकेटर भी जलने लगा, ठीक फ्रेंड। जो ये जो शॉर्टिंग कर रहा था वो कहाँ कर रहा था, ये जो शॉर्टिंग कर रहा था वो यहाँ पे कर रहा था। आपको फ्लैशर लगाना है या बजर लगाना है तो ये पूरी वायरें जो है अंदर करके लगानी है। अगर ये बाहर लगाते इस तरीके से छू जाता है या फिर ये कहीं अर्थिंग कहीं यहाँ पे छू जाता है बॉडी वॉडी में तो भी ये फ्यूज उड़ा देती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तुरंत फ्यूज उड़ा देगी, ये देखिए फ्यूज तुरंत उड़ा दिया। ये वायर जो है बॉडी में अगर टच हो जाएगी तो पूरा फ्यूज उड़ा देगी और ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्यूज उड़ गया, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप लोग बजर लगाते हैं तो बजर लगाते समय इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ये दोनों वायरें जो है अंदर करनी है और बाहर नहीं करनी है। अगर बाहर करेंगे तो आपका ये बार बार फ्यूज प्रॉब्लम आएगी, ठीक है फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।